हेलो स्टूडेंट्स, पहले दो वीडियोज में आप लोगों ने अब तक सारे क्वेश्चंस को देख लिया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। पहला मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा हमने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। तो अब तक हमने लास्ट दो वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को देख लिया है। तो देयर आर टोटल थ्री मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे आर द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द फॉर्मूला मेथड। इन द प्रीवियस वीडियो we have already discussed about the middle term splitting method. Now I am going to discuss about the completing the square method. So let's get started. कि completing the square method है क्या, इस चीज को थोड़ा हम ढंग से समझते हैं। completing the square method को हम आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से समझो। completing द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये क्या है। इसमें हम जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी फॉर्मेट में दिया होगा, हमको एक्चुअली उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा वो, या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। जैसा कि तुमने ऑलरेडी जानते हो, तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में हम करते क्या है, पहले इस चीज को हम आपको समझाएं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी फॉर्मेट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर आपको टू दिखाई देगा। तो भाई स्टेप नंबर वन, मैं यहां बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर के लिखते जाइएगा। स्टेप नंबर वन क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी। इसका मतलब है कि पहले स्टेप में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन बनाना होगा। तो वन अगर है तो कोई बात नहीं, अगर वन नहीं है तो वन बनाने के लिए क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट होगा उससे पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर देना, ठीक है। तो भाई ए से डिवाइड करोगे इसको तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, इस टर्म को ए से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या बी बाई ए इंटू एक्स, सी को डिवाइड करोगे तो आएगा सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में अब क्या करना है हमें, द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। यू हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स। मतलब है कि एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर लो, फिर उसको ऐड करो और उसी को सब्ट्रैक्ट करो, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। एक्स तो था तो बी बाई ए का जब हाफ करोगे तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे हाफ के लिए, तो मिलेगा क्या बी अपॉन टू ए। तो भाई बी अपॉन टू ए को लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसी को एक बार प्लस करना है और इसी को एक बार हमें माइनस करना है। हमारे पास ऑलरेडी सी अपान ए भी है तो सी अपान ए को यहां लिखो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से लेकर के यहां तक आप अगर देखो तो ये स्क्वायर बन गया। किस चीज का स्क्वायर दिख रहा है, एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर बन गया। ये इस तीन टर्म हमेशा मिलकर के स्क्वायर बना लेंगे, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अब कहोगे कैसे भाई, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया,
ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे तो टू टू कट जाएगा तो बी अपॉन ए बचेगा एक्स आ जाएगा। ओके तो ये बन गया। अब ये जो बच गए ये भाई साहब जो बच गए इनको फेंक दो राइट साइड में, इनको ले जाकर के राइट साइड में फेंक दो। अरे फेंक देने का मतलब ये नहीं है कि इनको फेंक देने का मतलब अरे अभी इसका काम है। तो ये भाई बच गए हमारे पास। तो अब x प्लस बी अपॉन टू ए तो हमारे पास लेफ्ट में है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2a और a का एलसीएम आएगा 2a, तो 2a अच्छा इसको एक बार और सॉल्व कर दो, b by 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू, बोलो भाई टू फोर ए स्क्वायर क्या आएगा फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ओके ये हमारे पास आ गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपके पास क्या था x प्लस बी अपॉन टू ए, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर यहां पे है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम होगा फोर ए स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे तो फोर ए स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहां बचेगा बी स्क्वायर, ए से कैंसिल करोगे तो प्योर फोर ए पर ए से डिवाइड करो फोर ए स्क्वायर तो फोर ए आएगा, फोर ए का सी में मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ए सी आएगा। ओके अब x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाओगे तो भाई ये सारी वैल्यू किसमें आएगी रूट में आएगी, किसमें आएगी रूट में आएगी, और जब भी हम रूट में लिखेंगे तो प्लस माइनस यहां लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर है, चलो ठीक है। अब प्लस माइनस क्यों लगा भाई, रूट फोर है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस टू होती है ना, अरे प्लस टू का स्क्वायर करो तब भी फोर आएगा, माइनस टू का स्क्वायर करो तब भी फोर आएगा, इसलिए रूट फोर की वैल्यू प्लस माइनस फोर होगी, प्लस माइनस टू होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे लेफ्ट में हमारे पास एक्स प्लस बी अपॉन टू ए है और यहां पे प्लस माइनस है, ये रूट में न्यूमरेटर में हमको मिल गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा फोर का टू ए स्क्वायर का ए, तो टू ए मिल गया। अब b by 2a को राइट साइड में भेजो तो b by 2a जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, तो 2a हो गया एलसीएम, तो ये हो गया माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यही हमारा फार्मूला भी बन गया। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते करते हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पा लिया जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी हम बोलते हैं। तो एक बार प्लस वैल्यू लोगे तो एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस वैल्यू लोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके फिर से ये स्टेप समझ लेना कि भाई कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलो एक क्वेश्चन कोई भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लो तो हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया। अब अगर कोई क्वेश्चन हम देखें, कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम लोग लें जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखते हैं कोई क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। आप ऑलरेडी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी, मतलब इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 2 है फैक्टर, यहां पे कोफिशिएंट 2 है एक्स स्क्वायर का, तो 2 से सारे इक्वेशन को डिवाइड करो, तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पे करोगे तो 7 बाई 2 एक्स हो जाएगा, यहां पे करोगे तो प्लस 3 बाई 2 हो गया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था कि x का जो भी कोफिशियंट है, यहां पे x का कोफिशियंट 7 बाई 2 है, उसका हाफ करके उसका क्या करो स्क्वायर प्लस करो माइनस करो,
तो भाई प्लस माइनस का चक्कर यहां मत रखिएगा। तो यहां पे 7/2 का हाफ किया तो 7/4 आया, उसका स्क्वायर प्लस कर दिया और उतना ही हमने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3/2 का, 3/2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था फर्स्ट की 3 टर्म हमेशा स्क्वायर बना लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर का। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब माइनस 2ab का सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, तो 2 × 4 यानी कितना आ गया 7x by 2, ये 7/2x था, सॉरी आ गया या नहीं आ गया। तो इसका मतलब है ये बन गया, यहां से लेकर के यहां तक बन गया एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं ये दोनों टर्म जो बचे इनको क्या बताया था मैंने, इनको राइट साइड में भेजना है, तो 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा। अभी क्या करोगे, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, अच्छा ये तो 3/2 ही है तो ऐसे ही रख दो। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे है तुम्हारे पास क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहां पे एलसीएम क्या लो 16 और 2 का एलसीएम 16, तो ये कट गया तो 49 यहां बचेगा, माइनस 2 8 16 8 3 24, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 4 माइनस 2 2 25 5 16। अब हमने कहा था जैसे ही आप स्क्वायर को हटाओगे प्लस माइनस लगाना, तो 25/16 रूट में आएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या 5, 16 का स्क्वायर रूट क्या 4, तो प्लस माइनस 4 आ गया। अब देखो x माइनस 7/4 तुम्हें दिख रहा और x इज इक्वल टू निकालो, x इज इक्वल टू माइनस 7/4 को राइट में भेजो तो 7/4 प्लस माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया, तो 7 प्लस माइनस 5, तो अब देखो एक बार प्लस साइन ले लो तो एक बार पॉजिटिव साइन लो, तो जब पॉजिटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4, तो यहां से x इज इक्वल टू 12/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। और निगेटिव साइन ले लो, दूसरी बार आप निगेटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 होगा, तो x इज इक्वल टू 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब तुम आंसर चेक करना चाहो एग्जाम में, बोर्ड में तो चेक कर सकते हो, x के जगह 3 रखो, ये लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, फिर यहां पर रखो x की वैल्यू 3, तो 7 × 3 = 21, माइनस 21 और यहां पर प्लस 3 है, तो 18 प्लस 3 कितना 21, 21 माइनस 21 0 आ गया, मतलब ये सही है, ये दोनों वैल्यू आप चेक भी कर सकते हो। ओके, अगले में हम आपको फॉर्मूले मेथड से भी बता देंगे, फिर हमारा जो मेन फोकस होगा जिसमें बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ओके, सो गाइस आप ढंग से इसको पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिएगा।